कुछ गई, आग कुछ गई, आग कुछ गई। तरस के लिए ली गई रकम से फार्म हाउस बड़ा ही फलाही और अवामी काम है। और आगे सुनिए, क्लाइंट से दो नंबरी, कमिटमेंट से मुकर जाना, जानते हैं क्या होगा? अगर ये डील कैंसल हो गई तो आपके 50 और मेरे 25 ने जो कुछ कमाया है सब कुछ दांव पर लग जाएगा। और उस फार्म हाउस में क्या होता है अगर बता दूं तो पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। मेरे बेटे को दूसरी शादी के ताने मिलते रहते हैं। क्या किया उसने? जो कुछ किया है शरा के अंदर रहकर किया है, बाहर नहीं। और जो अंदर रहकर बाहर जाना नहीं छोड़ते, आपके लाडले, मैं जो आपकी पहली औलाद, पहला एक्सपेरिमेंट। निकम्मा लगाना भूल गए तुम? जी हाँ, आपके लिए तो कलीम और रेशमा हैं बस। आपके सोचों की और सच्चाई की तस्वीरें, मैं तो ऐम ही हूं। भाई आपके मेहमान आ गए। मेरा बेटा सारी रात सर्दी में कुकड़ बना बैठा रहा यहां। मेहमान आ गए भाजी आप। खाले अभी तक नाराज है, चल बेटी थी खा ले। शाबाश, वो ना तेरे अब्बू जी के दोस्त और उनकी फैमिली आए हुए, अभी मिल रहे हैं उनसे जाके। मेरा मूड नहीं है। ना पुत्र, मेहमानों के साथ ऐसा नहीं करते, रब नाराज होता है। एक मिनट, एक मिनट, तू ऐसा कर पहले कपड़े बदल ले। इनमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें तो मेरी तीन शहजादी लगेगी। मुझे नहीं लगना शहजादी। पुत्र, माँ बाप की खुशी भी कोई खुशी होती है। उठ जा, शाबाश, चल शाबाश, शाबाश, उठ जा, उठ जा। यूरोप में क्या है, बस मेमेशे में। मैं अपने पुत्र का ब्याह इतना ही करना है बस। यार शमशाद, अभी इस बात का चर्चा ना करना, काम हो जाए फिर जो जी में आए करना। लो परजाई भी आ गई। चल बैठ जा। हाय जुबैदा, के हाल है तेरा? बड़े चिर बाद मुलाकात हुई है, कैसी है तू? चल बैठ, चाय शाय पिए कि नहीं? भाभी मिराब नजर नहीं आ रही। हाँ भाईजन, क्या हो गया आपको? मिराब, ये मिराब है? कमाल हो गया। छोटी सी थी ना जब तूने देखा था। नाश्ता हो गया लुकमा? मेरे अब तो लंच का टाइम है। वो हो गया? होने वाला? किसी ने आना है क्या? नहीं भैया जी। चलिए। किधर, क्या कोई पागल खाना पसंद आ गया? आपका चेकअप है मियाँ जी। मैं ठीक हूँ। नॉर्मल चेकअप है मियाँ जी।
जो बंदा ठीक हो उसे चेकअप की जरूरत नहीं होती। अगर ये खबर गलत हुई तो? रेशमा की कोई खबर गलत नहीं होती। ठीक है, देख लेता हूँ। हर मसले का हल गुस्सा नहीं होता कली। मैं कौन सा कत्ल करने जा रहा हूँ? एक बात निकली है, तस्दीक करना जरूरी है। वो लोग गए नहीं है, ऐसे फजूल में एक नया इशू बनेगा। इशू तो बन चुका अलमास। अरे इशू तो बन चुका है। देखें, मैं जितनी मर्जी बुरी हूँ लेकिन जहाँ पर बात कायदे कानून की आती है ना वहाँ। रहने दो रेशमा, पल में तुम वहाँ होती और पल में तुम यहाँ पे। कलीम रुक। नहीं, मैं एक वादा कर, अब भाभी बच्चों के साथ मेरी तरफ जरूर आएगा। ओ यार, तुझे तो पता है यहाँ के झमेले। हायम की शादी हो गई, अब क्या मसला है? मैं भी तो आया हूं ना यारी निभाने। शमशाद फारूकी विद फैमिली। भी था ज्यादा पाबंदियां मत डाला करो बच्चों पर, ज्यादा पाबंदियां बगावत पर उकसाती हैं। आ जाएंगे कहां जाएंगे? ये सब इसकी कारस्तानी है। हाँ, और कोई नहीं है जिसको हमसे मसला हो। बैठ जाओ। मुझे बिठा बिठा कर आपने अपने आप को खड़ा रखा है, लेकिन आज मैं नहीं बैठूंगा, आज फैसला होगा। फैसले तो पहले ही बहुत हो चुके हैं, लेकिन अमल कितनों पे हुआ है सवाल ये सब इसी का किया धरा है, मुझे पूरा यकीन है। कोई सबूत है या फिर इल्जामात पे ईमान रखते हैं आप? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। किधर है मेरी बेटी? खाना खा लें फिर बताता हूं। जब खुद पे गुजरती है तभी अंदाजा होगा। क्या गुजरी है हमें भी तो पता चले। मैं आज ही नाइल और मेराब के रिश्ते की मंसूखी का ऐलान करता हूं। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। तुम मुझ पर मरते हो? बताओ ना। हाइम, जो मुझ पर नहीं मरते
वो मर क्यों नहीं जाते? और अगर मुझ पर मरते हो तो दोबारा जिंदा कैसे हो जाते हो? जब तुम देखती हो। कैसे? ऐसे। तुम्हारी बहन का कुछ पता लगा? मीराब नाम है उसका। नाम तो मीराब है लेकिन है तो तुम्हारी बहन। एज इज जस्ट अ नंबर, मैच्योरिटी इज अ चॉइस। कौन कहता है कि मिरेकल्स नहीं होते? अब समझ में आई, जब बात अपनी बहन पर आती है ना तो अच्छा जा कहाँ रहे हो? सिचुएशन को फेस नहीं करोगे? एक से ठोकर लगती है तो तुम दूसरी के पास जाते हो, दूसरी से लगती है तो वापस पहली के पास। तुम्हें काम क्यों नहीं करते? तीसरी ढूंढ लो, मसला है एक। अगर नायल ने भी तुम्हारे फुटस्टेप्स में फॉलो किया तो सिचुएशन तो सही वाली, क्या कहते थे तुम, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अच्छा सुनो, गुड लक एंड स्टे काम। बातों से जंगे नहीं जीती जाती मॉम। सब लोगों का शक हम पर जाना लॉजिकल है, हमारा यकीन करेगा कौन? हम तो खुद नहीं जानते वो दोनों कहां चले गए। नाइल का ये स्टेप उसे अपनी बात मनवाने के लिए, क्या यही रास्ता मिला था? एक बार मेरे सामने आ जाए। इस घर में तो हर किसी के सर पे अपनी मर्जी का भूत सवार है। जाहिर है छोटों ने भी बड़ों को ही फॉलो करना है ना। आपका शक मुझ पर है? अमल से अकेले में बात करनी है। पूछने आए हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, शक कर रहे हो हम पर? हाँ, हमने नायलो में रात को भेजा है। सिर्फ आई ट्रस्ट मी, हम लोग नहीं जानते वो दोनों कहाँ हैं। मेरा यकीन करो। और आप ये किससे यकीन की भीख मांग रही हैं? अमल, एक मिनट, आप कहीं नहीं जाएंगी। क्या जानना चाहते हो तुम? हाँ, मैंने नायलो मेरा आपको भेजा है, क्या कर लोगे? कर भी क्या सकते हो तुम? सरताज, बता तो रहा हूं सब ठीक चल रहा था। चिल्ड्रन वार शुरू हो, बच्चों की जंग, बड़े हो गए ना, बहुत बड़े बड़े, हिस्से भी बड़े बड़े हो गए। मैं क्या करता, मैं बेबस था, लाचार था मैं। वही रिश्ते थे, वही ख्वाब थे, हाथों में आते आते रह गए, फिसल गए मेरे हाथों से। मैं संभाल नहीं पाया, मैं अकेला बच्चों को भी नहीं संभाल पाया। सरताज, और शर्मिंदा हूँ, खाली हाथ आ गया हूँ, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। मैं तुझसे उतनी मोहब्बत करता हूँ, ये मेरा साथ नहीं देते ये लोग। ठीक है, तू नहीं आ रहा है, मैं नहीं करूंगा, तू नहीं आ रहा है, तू नहीं, तू नहीं, मेरा लाडला बनकर मेरी गोद में बैठा रहा, और मैं समझता रहा तेरे अंदर मेरी रूह।
बेड़ा गर्क कर दिया है मोहब्बत की कहानियों ने इस नई नस्ल का। दर्द और बेदर्द में क्या फर्क होता है? अरे क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का जिसमें माँ बाप की इज्जत का एहसास ही ना रहे। अरे मेरी हजार नसीहतों का कोई असर नहीं हुआ उसमें। ओ बंद कर ये रोना, उस वक्त रोना था ना, अब क्या फायदा। मेरा ख्याल है। और रहने दे तू अपना ख्याल अपने पास, मेरा ख्याल है। आए मेरी बेटी, आए मेरी मराब। ओ जा रहा हूँ मैं। कलीम भाई का अचानक गायब हो जाना बहुत बड़ा इशारा है। ओ कौन नहीं जानता ये सब कुछ उसके इशारे पर हो रहा है। ओ मियाँ जी की आंखों पर पट्टी बंधी है और हमारे हाथों पर। हाँ शहर के सारे होटलों पर नजर रखो, शहर की नाकाबंदी कर दो और कोई मशकूक जोड़ा नजर आए तो मुझे खबर करो। और हाँ एक बात का ख्याल रखना, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, मीडिया को पता नहीं लगना चाहिए। अगर खबर निकली ना तो तेरा मैं वो हशर करूंगा कि याद करेगा, तेरी वर्दी का भी ख्याल नहीं करूंगा मैं। हाँ आ रहा हूं मैं। अरे तुम दोनों मियाँ जी को लेकर कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ है? ओहो हाइम बोलता क्यों नहीं है? लुकमान साहब इन्हें बता दे अगर मियाँ जी को कुछ भी हो तो मैंने छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या बकवास कर रहा है, क्या हुआ है, हुआ क्या है? दुआ करेंगे नहीं कुछ होना वरना। और तेरी आंखों की तो है खत्म हो गई है, एक तो गैर लड़की को लेकर घर में आ गया, ऊपर से धौंस दिखा रहा है, इधर हमें अपनी इज्जत के लाले पड़े हुए हैं। मुबारक। हाइम को लगता है उसकी बहन को नाल के साथ भिगाने में हमारा हाथ है। बेवकूफी की भी हद होती है। बस बस अपनी हरकतें इसको नजर नहीं आती। उसे छोड़ो, उस आफत की फिक्र करो जो तुम्हें ललकार रही है। तेवर देखे आपने उसका? दिल तो चाह रहा था उसको उसी वक्त घर से बाहर निकाल दूं। अरे कल तक तो तुम्हारा डर खौफ खत्म हो गया था और तुम उससे मुकाबला करने की बात कर रही थी, आज क्या हुआ है? रब का करम सबर करने वालों के साथ होता है। रंगो नूर की बारिश बरसेगी जरूर और जीत तेरी होगी, सिर्फ तेरी। भाभी भाभी क्या हुआ है? अरे हम पर क्या मुसीबत आ पड़ी है? सब आपके अमान है। भाभी वो हाइम मियाँ जी को हॉस्पिटल लेकर गया है, बेहोश हो गए थे मियाँ जी। आप कभी खैर की खबर नहीं ला सकती बुआ जी। तू तो चुप कर। और तो और भाभी जाते जाते हाइम की नई भाई से भी बीमारी हो गई, ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। हम हाइम कल रात को मुझे यहाँ ले आया है, बहुत अजीब फील हो रहा है। अच्छा और ये गुड न्यूज तुम मुझे अब दे रही हो? आपके लिए गुड न्यूज है। नाइस जोक। लगता है तुमने अब तक इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया। कैसे एक्सेप्ट करूं रियलिटी को, कैसे? बेवकूफ औरत अपने शौहर को गुलाम बनाती है और खुद उसकी बीवी बनती है, और अकलमंद औरत अपने शौहर को बादशाह बनाती है और खुद उसकी मलका बनती है। और फिर ये बादशाह और मलका मिलकर बहुत सारे इडियट्स पैदा करते होंगे, राइट? ओ कम ऑन बेटा, अब जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं और तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अब इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करो। अच्छा छोड़े, लाइफ इज नॉट सो बैड हियर, ठीक है। आप बताएं, डैड से बात हुई आपकी?
तेज गाड़ी चलाया। गलत पता नहीं जी, पर बेहोश है हम लोग रास्ते में। फोन दे मुझे, अब गाड़ी चलाए। तो कभी तो मौका देखकर बात किया करें, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। आप गाड़ी जल्दी चलाएं। भाभी सारे मर्द घर से बाहर है, एक भी घर पर नहीं है। रेशमा मेरे दिल में तो बड़े अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं, हॉल पड़ रहा है मेरे दिल पे। मुझे तो लगता है कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है भाभी, पूरे सरताज विला में हू का आलम है, हर लम्हे एक नया बैंग मिलता है। अब क्या होगा रिश्मा? बस अब तो रब से खैर की दुआ करें। हमारी तो दुआओं में भी असर नहीं रहा रिश्मा। सारे इशारे तो एक ही तरफ हैं भाभी, बस देखने वाली नजर और दिमाग चाहिए। मुझे तो ना कुछ समझ में आ रहा है और ना ही दिखाई दे रहा है। बस फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। ये तू कह रही है? जी हाँ, मैं बकलम खुद कह रही हूँ। मुझे एक बात बताएं, मैं हमेशा से इस घर के सुकून और खुशियों की खैर खा रही हूँ। और वैसे भी भाभी जो कुछ आज हो रहा है ये सब मैंने आपको पहले बताने दिया था। अब तू भी मुझे ताने देगी क्या? अच्छा चलो छोड़े ना। मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पर, यहाँ मेरी पोजीशन बहुत ऑकवर्ड है, जैसे कोई बिन बुलाया हुआ मेहमान। बेटा हाइम तुम्हारा हस्बैंड है और तुम उसकी बीवी हो, कोई मेहमान नहीं हो। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड भी है, ये तो आया है यहाँ, लेकिन यहाँ रुकना बहुत मुश्किल है। सफीना देखो तुम वो गलती हरगिज मत करना जो मुझसे हुई थी। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, आप प्लीज मेरी बात को समझें। मैं समझ रही हूँ बेटा, लेकिन अब तुम भी समझ जाओ और जज्बात में कोई ऐसा कदम ना उठाना जिसके बाद तुम्हें पछताना पड़े। मैं तो ऑलरेडी पछता रही हूँ, पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था। ये सब कुछ उस इमरान की वजह से हुआ है। तुम्हारा वेलविशर है, उसने तो वही किया ना जो तुमने उसे कहा था। हम पता नहीं आप क्या कह रही हैं। I'm just feeling so lonely here. यहाँ पे कोई एक भी ऐसा नहीं है जिससे मैं अपनी बात कर सकूं। बेटा ऐसी बातें क्यों करती हो, बहादुर बनो और जिंदगी से लड़ना सीखो। मां मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? गाइडेंस ले रही थी अपनी एक्सपीरियंस फॉर्म से, मिल गए टिप्स, ले लिया अगला लेसन। अमल देख, देखना अब सिर्फ तुझे है, सिर्फ तुझे। गौर से देख ले मुझे, क्योंकि मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूं, सौतन हूं तेरी, और तू भी मेरे लिए सिर्फ सौतन है। आप क्या छुपा रहे हैं मुझे? रिलैक्स मिस्टर हाइम, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। क्या मतलब कुछ कह नहीं सकते? पिछले दो घंटे से आप लोग झूठी तसल्लियां दे रहे हैं, कोई कुछ बता ही नहीं रहा, अंदर हो क्या रहा है? आप साफ साफ क्यों नहीं बताते प्रॉब्लम क्या है? आप तसल्ली रखिए, अल्लाह बेहतर करेगा। ये कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? सुनने की वजह से तो माफ नहीं कर पाऊंगा, अब जाके पता करें इनसे, जाए। अगर तू मेरी जगह होती तो क्या अपना हस्बैंड मेरे साथ शेयर कर सकती थी? बता, कर सकती थी? देख तेरी वजह से यहाँ क्या हो रहा है, नाल मेरा आपका कुछ पता नहीं, मियाँ जी हॉस्पिटल में है, डैड और ताऊ जी, लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता है ना? तुझे तो डसने के लिए सिर्फ मैं ही मिली थी। ठीक कहती है मॉम, बिल्कुल ठीक कहती है। तुम जैसे छोटी क्लास के लोग
हमेशा अपने से ऊंची क्लास में ख्वाब देखते हो और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए अपने तन मन की बाजी लगा देते हो। सिर्फ सुना था लेकिन आज देख भी लिया। दरवाजा अंदर से बंद है, पता नहीं क्या हो रहा होगा। या खुदाया, इस लड़की का गुस्सा किसी की जान लेगा किसी दिन। इतनी बड़ी कयामत गुजर गई है उस पर, सौतन सीने पर आकर बैठ गई है उसके। अब ऐसे में वो बेचारी पागल ना हो तो क्या करे। अलमास भाभी, जब बाहर से हमला हो जाए तो आपस में एक दूसरे के साथ दुश्मनियां भुला देने में ही अकलमंदी होती है। देखिए, जब मजबूत रिश्ते साथ हो ना तो मुश्किल हालात में वही ढाल बनते हैं। आपको नूरजहां भाभी के साथ बैठकर बात करनी होगी, कोई फैसला करना होगा अगर आप चाहती हैं कि आप इस लड़की को घर से निकाल दें तो। चलो समझाओ से, सब्र शुक्र करें, ये सब नसीबों के खेल हैं, उसके आगे किसी की नहीं चलती। ये मौका इन सब बातों का नहीं है। मौका उसने खुद दिया है। अमन को संभालना बीवियों का काम होता है। इस घर में अमन रहेगा या जंग, इस बात का फैसला हो जाना चाहिए और ये फैसला हमने खुद करना है। नूरजहां भाभी, हम अपने मसले बाद में हल कर लेंगे ना। तू किसकी तरफ है, कभी इधर हो जाती है तो कभी उधर हो जाती है, खाली का बैंगन ना बन। देखिए भाभी, मैं तो सिर्फ और सिर्फ इस घर के अमन के साथ हूँ। वैसे भी अमल के साथ जुल्म हुआ है तो हुआ है। बड़ी आई जुल्म वाली, उसका बेटा जो मेरी बेटी को बरगला के ले गया वो किस खाते में। ये हमारा और हम सबका घर है, हम अपने मसाइल तो मिल बांट कर हल कर ही लेंगे। उस महबूबा की फिक्र करें जो बीवी बनकर हमारे सीनों पे बैठ के जहर उगल रही है, उसे यहाँ से भेजें। अलमास भाभी, नूरजहां भाभी, आप दोनों मेरे साथ चलें। चलें, आए। कोई और गाली बाकी रह गई है तो वो भी दे दे, दे दे वो भी। मुझे, मेरी माँ को, मेरी फैमिली को तूने, सोसाइटी ने जो नाम दिया है मैं तो वो ही निभा रही हूँ। मुझे मेरा नसीब यहाँ खींच कर लाया है। हाँ मैं बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ, सोसाइटी के मुंह पर तमाचा हूँ, एक गाली हूँ, हूँ बुरी। अगर सारी जिंदगी हाइम की गर्लफ्रेंड बनकर रहती ना, एक गाली बनकर रहती, तो शायद तुझे इतना बुरा नहीं लगता। मेरा निकाह भी वैसे ही हुआ था जैसे तेरा निकाह हुआ है। मेरे पास भी उतने ही गवाह थे जितने तेरे पास थे, तो फिर क्या फर्क है। अगर फर्क है तो सिर्फ इतना, तेरी रुखसती के बाद तेरे डैड का हाथ था तेरे सर पर और मेरे सर पर खुला आसमान मुझे घूर रहा था। ये बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। यही मेरा कसूर है ना, मैं बाहर वाली हूं, दूसरी बीवी। इस वक्त बेहतर होगा कि तुम यहां से चली जाओ, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं है मेरे अंदर। देखिए मिस्टर हाइम, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, हम लोग तो सिर्फ डॉक्टर हैं, करने वाली जात तो वो है। आप मुझे प्लीज लेक्चर देना बंद करें और बताएं कि प्रॉब्लम क्या है। रोज रोज उनकी तबीयत का खराब होना, कोई रीजन तो होगी। रीजंस आपको भी पता है, लेकिन खैर जब तक फाइनल रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती मैं हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता। मैं उनसे मिल सकता हूँ? फिलहाल नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हेलो मियाँ जी, कैसे हैं? हाय, मुझे बताओ मियाँ जी कैसे हैं आप? आईसीयू में, मिलने की इजाजत नहीं है। तुम ठीक हो? मुझे क्या होना है? नाराज हो? पता नहीं। अच्छा, मुझे भी हॉस्पिटल आना है।
तुम क्या करोगी, मैं हूं ना यहाँ। मेरा भी मियाँ जी से कोई रिश्ता है। दावेदार सभी हैं, लेकिन एहसास किसी को नहीं। हम सब बेहोश हो चुके हैं, हमें सिर्फ अपनी फिक्र है, सिर्फ अपनी। तुम्हें अभी एहसास हुआ जब अपनी फिक्र से आजाद हुआ। I'm really sorry, Haim. I had no intentions to hurt you. मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ। तुम क्या करोगी आकर, मियाँ जी आईसीयू में, उनके चेकअप हो रहे हैं, मैं सुबह तक बता दूंगा। तो सुबह तक मैं क्या करूंगी? अजीब वहशत सी हो रही है, तुम वहां अकेले हो। ओके फाइन, नहीं आती। तुम रुको, मैं तुम्हें बता दूंगा। क्या बताओगे? आप यहाँ क्यों आए हैं? आईसीयू के बाहर रहे हैं, आप जाएं। जी पूछे। प्यो हूं मैं तेरा, प्यो यानी बाप, और बाप सिर्फ एक ही होता है, बाकी सब आप होते हैं। जब तक डॉक्टर कुछ बताएगा नहीं, मैं आपको कैसे कुछ बता दूं? और अब आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तू मेरा बेटा है और मैं मियाँ जी का। तो फिर आप वहाँ क्यों हैं? और यार तू अपनी वकालत कर वलायत जाके, हमें यहाँ बिजनेस करने। यही प्रॉब्लम है आपका, रिश्ते नाते सब कुछ आपके लिए बिजनेस है और कुछ भी नहीं। कोई जरूरी बात करना थी आपको? हाइम हाइम बाद आ जा, मेरे गुस्से को आवाज मत दे। मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ कर दे, धमकी क्यों दे रहा है? डॉक्टर साहब आपने बुलवाया था मुझे, कैसे भी था। मुबारक हो, एवरीथिंग इज ऑलराइट। आप चाहें तो पेशेंट को घर ले जा सकते हैं। भाभी कुछ देर पहले तो आप कह रहे थे कि वो तमाम चेकअप्स कंप्लीट हो चुके हैं और कल तक हतमी रिपोर्ट्स भी सामने आ जाएंगी। आप पागल समझ रहे हैं मुझे, ये कैसा एटीट्यूड है आपका? आप साफ साफ बता क्यों नहीं रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है उनके साथ? वो देखिए मिस्टर हाइम, बिलीव मी, सब ठीक है। समटाइम्स द थिंग्स यू मोस्ट वांट डजंट हैपन, एंड समटाइम्स द थिंग्स यू नेवर एक्सपेक्ट टू हैपन डस। ऑल द बेस्ट। गाड़ी एक लाइन में लेकर आ रहा हूँ। सुनो सफीना, मियाँ जी की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए हम सब ने तुम्हें इस नए रिश्ते में कबूल कर लिया है, लेकिन इस घर में रहने के कुछ उसूल हैं, कुछ कैदे हैं, कुछ कानून हैं। इसलिए तुम्हारी और इस घर की बेहतरी इसी में है कि तुम इन उसूलों पर अमल करो। रियली? ये रेलियां शेलियां नहीं चलेंगी, जो कहा जाए वो कर। लेकिन करना क्या है? आवाज नीचे कर, ये कराची नहीं है, लाहौर है। तो मैंने कब कहा कि कराची है? And why are you all cornering me? आसान ज़बान इस्तेमाल करना इस घर का पहला असूल है। इस समझ तो आए, क्या कह रही है? वो ये कहना चाह रही है कि मेरा घेराव क्यों कर रही है? ये घेराव नहीं है, तुम न्यू फैमिली मेंबर हो, इसलिए इन सब फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मेलिटीज नहीं है, these are the rules you have to act upon strictly। अरे आंखें नीचे कर, हम बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मोहब्बतों में दरारें डालने वालों को पसंद नहीं करते। मैंने कहीं कोई दरार नहीं डाली है। चलो ठीक है, तू ना अमल की पक्की दोस्त बन जा जैसी पहले थी, ठीक है ना? सब आ गए? अहिंसा और मियाँ जी नहीं आए अभी तक। अच्छा, जी सब ठीक है? जी अब मियाँ जी बिल्कुल ठीक है। बस इतना ही ड्रामा? जी। चलो अच्छा है, जल्दी खत्म हो गया। कब है वापसी? बात बात पे सांप क्यों सूंघ जाता है तुझे? जी हम लोग रास्ते में। चला के बता मुझे।